नमस्कार। हमने एलजेब्रा के अंदर ये देखा था कि दो टाइप की टर्म्स होती हैं, एक होती है कांस्टेंट और दूसरी होती है वेरिएबल। और जब कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को मिक्स कर देते हैं, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स हो और वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती हो, है ना, तो इस तरह के जब दो टर्म्स को ऐड करते हैं देन दिस बिकम्स एलजेब्रिक टर्म्स। जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं नॉट ऐड, और एलजेब्रिक टर्म्स को जब हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे को एलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि फैक्टराइजेशन किस तरह से किया जा सकता है। अब फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहली चीज मल्टीप्लिकेशन। हम नंबर्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और वेरिएबल्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे नंबर्स में 6 × 5 तो ये हो गया 30, और ऐसे ही x × xy अगर मल्टीप्लाई करें तो x × x x² हो जाएगा और फिर y, तो x² y। ये हुआ मल्टीप्लिकेशन। और इसका जस्ट जो रिवर्स प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। मतलब जैसे अभी हमने देखा कि 6 × 5 ये 30 होता है, और अगर हम 30 को फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करने में हमको वापस से 5 × 6 मिल सकता है। इन इवन 6 को और फैक्टराइज कर सकते हैं, 6 को हम 2 × 3 भी लिख सकते हैं। मतलब 30 के फैक्टर्स 2 × 3 × 5 हो जाएगा, है ना। इसी तरह x² y अगर दिया हुआ हो तो x² को हम x × x और × y लिख सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो आइए हम इस चैप्टर पे फैक्टराइजेशन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स में जैसा कि अभी हमने देखा कि 30 को फैक्टराइज करना है, मतलब अगर मल्टीप्लाई करते हैं उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस करना है। अब 30 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 30 को किस किस चीज़ से डिवाइड किया जा सकता है? तो देखिए 30 को हम लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड करें तो 15 हो जाएगा, 15 को फिर से 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये 5 आ जाएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 30 के जो फैक्टर्स है वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, और 30 भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि 30 को हम 1 × 30 लिख सकते हैं, इसको 2 × 15 भी लिख सकते हैं, इसको 3 × 10 भी लिख सकते हैं, और इसको 5 × 6 भी लिख सकते हैं। और उसके आगे जैसे यहाँ पे 1 2 3 5 आया, फिर हम आगे अगर बढ़ाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएंगे। मतलब 6 × 5 लिख सकते हैं, 10 × 3 लिख सकते हैं, 15 × 2 लिख सकते हैं, और 30 × 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। मतलब इन नंबर से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 30 को 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं, 10 से कर सकते हैं, 15 से कर सकते हैं, और
30 से कर सकते हैं। तो जिस जिस से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं वो सब क्या होंगे, उसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 30। अब इनमें से, ये फैक्टर्स में से अगर हम देखें 3, 2 और 5, ये प्राइम नंबर्स हैं, है ना? आपने पढ़ा हुआ है प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जो या तो खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी से नहीं डिवाइड होगा, तो उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। सो 2, 3 एंड 5, दीज आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। तो ये तो नंबर में देखा हमने कि अगर नेचुरल नंबर्स दिए हुए हों उसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, कैसे निकालते हैं। अब हम अगर एल्जेब्रिक टर्म्स में देखें तो फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अब अगर हम ये देखें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 5xy एंड प्लस 3x, तो यहां पे हमारे पास में दो एल्जेब्रिक टर्म है। द टर्म 5xy has been formed by, अब देखिए 5xy ये किसके किससे बनी हुई है, ये बनी हुई है 5 से, x से और y से, है ना? That is 5xy can be written as 5 into x into y। तो यहां से हम देखेंगे कि इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, 5 है, x है और y है। So observe that the factors 5x and y of 5xy, now this cannot be further expressed as the product of any number. So this cannot be further expressed as the product of factors, or jab ye further factorize nahi kiye ja sakte hain, हमने यहाँ पे तो देखा था ये प्राइम फैक्टर्स हैं, लेकिन एक्स वाई जेड के अंदर कहाँ प्राइम नंबर होता है, तो वहाँ पे प्राइम फैक्टर्स की जगह हम बोलते हैं इररिड्यूसेबल फैक्टर्स। तो यहाँ पे देखिए, दीज आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5xy, लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वी यूज द वर्ड इररिड्यूसेबल इन प्लेस ऑफ प्राइम, तो प्राइम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इररिड्यूसेबल, मतलब इससे ज्यादा इसको रिड्यूस किया ही नहीं जा सकता है। वी से दैट 5 into x into y इज द इररिड्यूसेबल फॉर्म ऑफ 5xy। नोट दैट 5 into xy इज नॉट एन इररिड्यूसेबल फॉर्म, क्योंकि इसको तो हम एक्स वाई को एक्स इंटू वाई भी लिख सकते हैं, तो वो फर्दर रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर्स एंड दिस इज अबाउट फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, राइट? चलिए आगे देखें, वॉट इज factorization. When we factorize an algebraic expression, we write it as a product of factors. Factorization का मतलब product form के अंदर हम इसको express करेंगे. These factors may be, अब algebraic उसके अंदर ये numbers भी हो सकते हैं और algebraic variables भी हो सकते हैं और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर बार हम x इंटू वाई ऐसा लिखें, हो सकता है फैक्टर के अंदर मतलब ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई भी आ जाए या 5x प्लस 6y आ जाए, तो एक्सप्रेशन भी एक फैक्टर हो सकता है। ठीक है, चलिए मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन में हम आ रहे हैं मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। जैसे सपोज इफ वी आर गिवन एग्जांपल
2x plus 4, सबसे पहले सबसे इजी से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो 2x plus 4, इस 2x को अगर हम फैक्टराइज करें तो 2 into x लिख सकते हैं, और 4 को अगर हम फैक्टराइज करें तो इसको 2 into 2 लिख सकते हैं, तो ये 2 into 2 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, इसमें से ये 2 और यहां पे ये 2, ये कॉमन है, इस कॉमन फैक्टर को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको जब 2 को हमने बाहर निकाल लिया तो यहां पे ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, इधर से x बचेगा, तो ये x आ गया, और यहां से ये 2 तो बाहर चला गया, इधर 2 बचा रह गया। मतलब इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो यहां पे दो फैक्टर्स बने, एक ये और एक ये। तो एक फैक्टर तो नंबर है और ये वाला एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। तो जैसा अभी हमने देखा था, फैक्टराइजेशन में केवल सिंगल सिंगल नंबर नहीं, इसमें एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी आ सकते हैं कॉमन में, ठीक है। तो एक फैक्टर इस तरह का भी हो सकता है। चलिए आगे देखें। अब देखिए, हम कुछ और एग्जांपल से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते चलेंगे। इस एग्जांपल में फैक्टराइज, अब यहां पे ये दो एलजेब्रिक टर्म्स दी हुई है। एलजेब्रिक टर्म्स में हम पहले इनको सेपरेटली टर्म्स को खुद को फैक्टराइज कर लें, और उसमें से जो जो कॉमन नंबर्स हैं उसको हम बाहर निकाल लें। तो यहां पे ये सबसे पहले फर्स्ट टर्म 12a² b। अब देखिए 12 के फैक्टर्स, 12 को हम लिख सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड करें तो 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करें तो ये 3 आएगा, और फिर 3 से तो यहाँ पे 1। मतलब इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर a स्क्वायर को हम a इंटू a लिख सकते हैं, और b को एज इट इज लिख दिया। तो ये इसके 12a² b के फैक्टर्स हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू a इंटू a इंटू b। बिल्कुल ऐसे ही 15ab² को भी हम फैक्टराइज कर लें, तो 15ab² 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, और ab² तो a इंटू b² को b इंटू b लिख सकते हैं। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू यहां पे अगर हम पुट कर दें तो यहां पे ये सम है, इसकी वैल्यू ये रख दी, और थोड़ा सा ऑर्डर बदल गया है, बाकी आप एज इट इज इसको यहां पे लिख सकते हैं। और 15ab² की वैल्यू यहां पे रख दी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ऑर्डर चेंज किया है, यहां पे 3 है तो इधर भी 3 पहले लिख दिया है ना, इसमें से इस 3 को और इस 3 को सबसे फर्स्ट पहले पोजीशन पे रख दिया। फिर यहां पे a है, इधर भी a है, तो यहां पे a और a ये सेकंड पोजीशन पे रख दिया। फिर यहां पे b है, इधर भी ये b है, तो इस b को यहां पे थर्ड पोजीशन पे रख दिया, और बचे हुए नंबर्स हमने यहां पे बचे हुए लास्ट में लिख दिए। अब इसमें से हम ये 3ab, यहां पे भी 3ab ये कॉमन है, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये 3ab को बाहर निकाल लिया, तो यहां पे बचेगा 2 इंटू 2 इंटू a, तो ये 2 इंटू 2 इंटू a, और यहां से बचा 5 इंटू b, तो ये बचा 5 इंटू b, लेकिन 2 इंटू 2 इंटू a को हम लिख सकते हैं 4a,
तो ये लिख दिया 4a और इसको 3a भी लिख दिया। फिर यहाँ पे 5 इंटू बी मतलब 5b, सो द फैक्टर्स आर 3ab इंटू 4a प्लस 5b, दीज विल बी द फैक्टर्स। ठीक है, तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हो उसको इस तरह से हम फैक्टराइज कर सकते हैं। चलिए आगे देखें, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग द टर्म्स। अब अगर देखिए टर्म्स दी हुई हैं, कोई सी भी टर्म कहीं पे भी लिखी हुई हो सकती है, लेकिन हमारा दिमाग क्या बोलता है, इनमें से कौन सी टर्म को पास पास में ले लें तो जिससे कॉमन फैक्टर एक जैसा साथ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का एग्जाम्पल फैक्टराइज। अब यहाँ पे ये टर्म्स दी हुई है और इसको हमको रीग्रुपिंग करना है जिससे कि हमारे पास में कुछ चीज़ कॉमन आ जाए। तो देखिए यहाँ पे हम 6xy, ये 6xy और माइनस 4y और यहाँ पे प्लस 6 माइनस 9x लिखा हुआ है। हम इसको रीग्रुपिंग करेंगे, इसमें से 9x को पहले लिख लें और 6 को बाद में लिख लें। तो ये 6xy और 4y ये तो एज इट इज़ हैं, लेकिन इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दी। क्यों करी? क्योंकि इन दोनों में से देखिए ये 6 और 4 ये दोनों किस कॉमन फैक्टर से डिवाइड होते हैं, ये दोनों 2 से डिवाइड होते हैं। तो 2 हम बाहर निकाल सकते हैं, ये 2 बाहर आ गया। फिर y यहाँ पे दिया है, y यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो y ये भी कॉमन फैक्टर हो गया। अब यहाँ से बचा केवल x और साथ में इसमें से 2 से डिवाइड किया तो बचा 3, तो 3x बच गया। और यहाँ पे 2 से डिवाइड किया था तो एक 2 बच गया, यहाँ पे y तो ऑलरेडी कॉमन आ गया। तो इसमें अगर 3x माइनस 2 आया तो हमने इसको इंटरचेंज इसलिए किया था कि जिससे कि 3x माइनस 2 ये यहाँ से भी कॉमन आ जाए। तो देखिए इन दोनों में से देखिए इसमें और इसमें हम अगर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस 3x, लेकिन हमको इधर 3 प्लस 3x दिया हुआ है तो इसमें से हम एक माइनस साइन भी कॉमन ले लेंगे। ये माइनस साइन कॉमन लिया, माइनस 1 माइनस साइन, और इन दोनों में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं तो ये 3 कॉमन ले लिया। तो इधर से एक्चुअली माइनस 3 कॉमन लेना, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, उस चीज़ से अंदर डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे हम माइनस 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा प्लस 3x, और इसको अगर माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा माइनस 2। आप ये ध्यान रखिए अगर हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो साइन इनसाइड द ब्रैकेट जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव बन गया और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गया। अब इससे फ़ायदा क्या मिला हमको, यहाँ पे भी 3x माइनस 2 है और यहाँ पे भी 3x माइनस 2 है, इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो इसको अगर हमने 3x माइनस 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा 2y तो ये आ गया 2y, और यहाँ से माइनस 3 तो ये माइनस 3। सो अब देखिए ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब ये फैक्टर्स हो गए, है ना। तो दो एक्सप्रेशंस हैं और उनका प्रोडक्ट ये चीज आ गई। सो द फैक्टर्स ऑफ दिस आर, ये दो फैक्टर्स
वेक्टर्स हो गए दिस एंड दिस, ठीक है। चलिए आगे देखें। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम करें। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स, तो हमको कॉमन फैक्टर्स निकालना है इन द गिवन टर्म्स। तो सबसे पहले ये 2 यहाँ पे खिसक के आ गया है, ये इसकी पावर होगा। ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, जब पीपीटी को, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को जब ईमेल में डालते हैं और इसके अंदर खोलते हैं, कभी कभी कुछ टर्म्स इधर उधर खिसक जाती हैं। तो देखिए, फर्स्ट वाले में 12x, इसको हम लिख सकते हैं। देखिए 12 को 2 इंटू 2 से डिवाइड करें तो 2 इंटू 6, 6 को फिर फैक्टराइज करें तो 2 इंटू 3, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए और इंटू एक्स, ठीक है। और 36 को हम लिख सकते हैं, 36 को अगर हम देखिए, या तो हम यहाँ पे ही फैक्टराइज कर लें, और नहीं तो आप रफ में भी इसको फैक्टराइज कर सकते हो। 36 को डिवाइड करो 2 से तो 18 टाइम्स, फिर 2 से तो ये हो गया 9, और फिर 3 से तो 3 इंटू 3। तो फैक्टर्स आर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। हमको निकालना है कॉमन फैक्टर्स, सो देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स आर, कॉमन फैक्टर्स देखें, ये 2 तो यहां पे 2, फिर ये 2 तो ये भी, फिर ये 3 तो 3, ये कॉमन फैक्टर्स हैं, और इनका प्रोडक्ट मतलब 12 विल बी द कॉमन नंबर। अगर एक नंबर देखें तो इनका प्रोडक्ट देख लो, दिस विल बी ओके। देन कम टू सेकंड वन, सेकंड पार्ट इज 2y, 2y को 2 इंटू y लिख सकते हैं, और 22xy। अब देखिए इसको भी अगर हम फैक्टराइज करें, सबसे पहले 2, तो 2 इंटू 11 होता है 22, तो 2 इंटू 11 इंटू यहाँ से x इंटू यहाँ पे y। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर्स आर, ये देखिए ये 2 कॉमन तो 2, और यहां पे ये y तो इधर ये y, तो कॉमन फैक्टर्स आर 2 एंड y, और अगर एक साथ में लिखेंगे तो 2y कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। देन कम टू थर्ड वन, थर्ड दिस इज 14 PQ को देखिए फैक्टराइज करें, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 इंटू 7 हो गया ये 14, इंटू पी और इंटू क्यू, ठीक है। अब दूसरा है 28 P² Q² 28 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 14, और 14 को हम ऑलरेडी फैक्टराइज कर चुके हैं 2 इंटू 7, फिर पी स्क्वायर को लिख सकते हैं पी इंटू पी, इंटू क्यू स्क्वायर को लिख सकते हैं क्यू इंटू क्यू, राइट। देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स
आर। अब देखिए यहाँ पे ये टू कॉमन है, फिर सेवन है, फिर ये पी है एंड ये क्यू है। तो दीज आर कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, चलिए अगला देखें। दिस इज फोर्थ पार्ट। अब इसमें दो टर्म्स की जगह तीन टर्म्स दी हैं फैक्टराइज करने के लिए, तो सिक्स ए बी सी। अब सिक्स को हम लिख सकते हैं टू इंटू थ्री इंटू ए बी सी, तो ए इंटू बी इंटू सी। दूसरी टर्म ट्वेंटी फोर ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल टू, देखिए 24 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 12, और 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 6, और 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 2 इंटू 3। फिर ए बी स्क्वायर मीन दिस इज इंटू ए, और बी स्क्वायर को बी इंटू बी लिख सकते हैं। फिर तीसरी टर्म 12 ए स्क्वायर बी 12 ए स्क्वायर बी, 12 को 2 इंटू 6, 6 को 2 इंटू 3। तो ये तो हो गए 12 के फैक्टर, ए स्क्वायर के ए इंटू ए और बी इंटू बी। ये तीनों टर्म्स को हमने फैक्टराइज करके लिख दिया। अब कॉमन देख लेते हैं इसमें से। सो देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स आर, कॉमन फैक्टर्स आर, देखिए यहां पे ये टू, इधर टू और इधर टू, तो ये टू कॉमन फैक्टर हो गया। फिर थ्री, यहाँ पे भी थ्री और यहाँ पे भी थ्री, तो थ्री। इसके अलावा नंबर्स में से कहीं कोई कॉमन नहीं है, है ना। फिर लेटर्स में से ए ए और ए, तो ए। फिर यहाँ पे ये बी, इधर ये बी और इधर बी एंड बी। इसके अलावा ये सी यहाँ पे है, इधर सी नहीं है, इधर सी नहीं है, है ना। तो और कोई नंबर इसके अलावा कॉमन नहीं है। सो दीज आर कॉमन फैक्टर्स।